तो दोस्तों, हमने ले लिया है iPhone 14 Pro Max। ये 25,000 का फ़ोन है, मगर इसमें 25,000 आईफोन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े और ऐसे ऑनलाइन किसी इंस्टाग्राम या किसी लिंक से। दोस्तों, अपन ने iPhone 14 Pro Max ले लिया है और वो भी पूरे 25,000 में। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ओरिजिनल फ़ोन है, मगर एक्चुअल में ये फ़ोन क्या है, डमी है। मतलब चलता आईफोन जैसा ही है, मगर इसमें फीचर्स कम है। स्लो है थोड़ा और कैमरा बिल्कुल भी बेकार है। आप देख सकते हैं, इसी कैमरे की क्वालिटी में दिखाता हूँ आपको। चालू नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसका कैमरा भी ठीक से काम नहीं करता है, फोकस भी सही से नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स में आप भी जानते हैं कि A16 बायोनिक चिप आती है और 6GB रैम होती है। इसके बाद भी इसका प्रोसेसर इतना स्लो काम कर रहा है कि एक एप्लीकेशन ओपन करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये नकली आईफोन है। दोस्तों, आईफोन 14 प्रो मैक्स में आप जानते हैं कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट होता है, मगर इसकी बिल्कुल ही रद्दड़ क्वालिटी आ रही है फ़ोटो और वीडियो की। ये तो बात कैमरे की हो गई। ये 3 रिंग्स देख रहे हैं ना, इसको देख के हर किसी का दिल फिदा हो जाता है फ़ोन पर। पर आप अपना दिल फिदा ना करें, एक बार चेक ज़रूर कर लें फ़ोन को। ये 25,000 का फ़ोन ज़रूर है, मगर इसमें 1 रुपये की भी क्वालिटी नहीं है 25,000 लायक फ़ोन की। आप इससे अच्छा कोई एंड्रॉयड फ़ोन लें, वो बेटर रहेगा और वो आपको अच्छी सर्विस देगा, उसकी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी होगी। आप आईफोन के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, इसलिए आप एक बार ज़रूर फ़ोन चेक कर लें, इसके बाद ही फ़ोन परचेस करें। आप देख सकते हैं, ये इतना ज़्यादा नकली दिखता है कि इसका आईफोन का लोगो भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे फ़ोन का कोई मतलब नहीं है भाई लोग, आईफोन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े और ऐसे ऑनलाइन किसी इंस्टाग्राम या किसी लिंक से आप बिल्कुल भी ना फ़ोन परचेस बिल्कुल ना करें। ये मैंने कुछ इंस्टाग्राम से ही फ़ोटो वगैरह लिए हैं, आप देख सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड होता है। आपको अगर फ़ोन बाय करना है तो आप सबसे पहले व्यक्ति से मिलें, फ़ोन को चलाएं और इसके बाद ही ख़रीदें। ये फ़ोन मैंने नहीं लिया है, ये फ़ोन मेरे एक फ्रेंड ने लिया है, उसके साथ ये घटना घटित हुई है, तो कहीं आपके साथ भी ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी मतलब गलती हो सकती है, आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है।